ओरियो के लिए बॉल लिए देखो और ये भी लिया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जिस उठाओ में टाइम देखो 12 बजने वाले हैं। वैसे उठ तो मैं 4 बजे गया था, एडिटिंग करी, अपलोडिंग करी, 8 बज गए, फिर 4 घंटे मैंने काम किया, उसके बाद मैं दोबारा सो गया क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी ना। तो अभी जिस मम्मी ने उठाया मुझे, और हाँ आज कुनाली का बर्थडे है पीयूष के छोटे भाई का, तो वो तो है गांव में तो सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते, तो फोन पे विश करना पड़ेगा। बाकी लास्ट टाइम तो हम गांव में ही थे जब उसका बर्थडे था, आपने देखा होगा ब्लॉग। तो फिलहाल मैं उठता हूँ, मम्मी ने मशीन लगा के कपड़े भी धुलवाते हैं और आज थार भी देके आनी है ठीक करवाने के लिए। तो मम्मी जी बना रही है आज मस्त पूरी कुनाली के बर्थडे पे, और खीर भी बनाई है, आलू गोभी बनाई है। तबीयत तो ठीक है, ठीक है तबीयत तो ऐसी ठीक ही रहनी चाहिए बस। चलो नहाना बाद में करेंगे, पहले खाना ही खा लेते हैं, फिर पूरे ठंडे हो जाएंगे ना। खीर तो भी उसकी फेवरेट है, सारी यही खत्म करेगा देखना, दिन में 5 बार खीर खाएगा जब तक खत्म नहीं आएगी। तो अपना खाना तो ले लिया मैंने मस्त। तो गाइस लिटरली इतनी ज्यादा टेस्टी पूरी हो रही है ना, आलू भी और ये भी, मतलब मैं बता नहीं सकता। अब तो मैं 2 पूरी एक्स्ट्रा खाऊंगा। कभी आओगे तो मम्मी के हाथ की ट्राई करना, पूरी बहुत मस्त होती है। और मैं तो खीर और पूरी खाता हूँ, सब मस्त हो रहा है एकदम, मजा आ गया। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब निकलते हैं बाहर, थार देके आते हैं पहले तो शोरूम, और उसके बाद हमको जाना है लेनोवो के शोरूम। ये जो लैपटॉप है ना, इसकी बैटरी बिल्कुल खराब हो चुकी है, मतलब 10 मिनट में चलती है इसकी बैटरी, तो इसकी बैटरी नई लगवा के आनी है। ये लैपटॉप मैंने साहिल को दे दिया था, तो अब साहिल ही यूज करते हैं इसको, मैं तो मैकबुक यूज करता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि साहिल को भी मैं मैकबुक। ये जो कपड़े बिखराए हैं ना, इनको तह करके रख देना वापस, ऐसे ही मैं छोड़ के जाना। ये क्या कर रहा है, चुपचाप तह करके रख दे उसको, भाई इज्जत से रख ले, मार खाएगा। सो गाइस अभी साहिल की जैकेट पे जो ऐसे रूम होते ना ये लगे हुए थे, और साहिल अंदर से एक रेजर लाए, उनने ऐसे ऐसे मारा ना सारे रूम निकल गए। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरा ये खराब हो गया है टी शर्ट, अब देखो ना, अरे वायर सारा निकल रहा है, मेरे को दे मैं निकाल के देखता हूँ। अरे क्या देख रही है नीचे। तो आज पीयूष और मैं पीछे बैठे हैं, साहिल चला रहे हैं थार। अरे वाह क्या मस्त व्यू आता है यहाँ से, तो वो पूरा ही दिखता है यहाँ से, तो यूजुअली मैं चलाता हूँ। मेरा तो रोज का पीछे का, पीयूष तो रोज ही पीछे बैठता है। थार तो दे देंगे महिंद्रा शोरूम, अपन कैसे जाएंगे ऑटो में। चलो महिंद्रा तो पहुंच गए, रुक जा पहले मैं उतरता हूँ, यार पहले मेरे को उतरने दिया कर यार। पीसी और सर कैसे हो, बढ़िया बढ़िया। इधर डाल दे इधर, शाम तक मिल जाएगी या कल मिलेगी। शाम को दे देंगे आपको, जितनी कोई है। बढ़िया बढ़िया, तो थार हमने यहाँ पे दे दी है, शाम तक मिल जाएगी हमको। अब चलते हैं सीधा मार्केट लैपटॉप लेके, यहाँ से हमको 2 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे, पहले मार्केट जाना पड़ेगा, फिर मार्केट से जाना पड़ेगा शोरूम पे। तो भाई रुकवाओ ऑटो, मार्केट जाना, मार्केट ऑटो में भी अलग ही मजा आता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता भाई, थार में सब पहचान लेते हैं, ऑटो में कोई नहीं पहचान पाता। अच्छा आप पहचान दो, अबे यार अबे अंकल नहीं पहचान लिया। हाँ पीयूष पीयूष, हाँ हाँ अरे यार। तो अभी एक ऑटो हमने चेंज कर लिया है, मैं कह रहा हूँ ऑटो में कोई नहीं पहचानता, ऑटो वाले अंकल कह ले मैं पहचानता हूँ। तो नेक्स्ट ऑटो हमको वहाँ से मिलेगा, उस रोड से वहाँ से। तो अभी सबसे पहले तो हम आए हैं गार्ड लगवाने के लिए, 3 फोन में, इसमें इसमें और इसमें भी। तो अभी इस फोन में तो लग गया, अब इसकी बारी है। पीयूष सोच रहा होगा मेरे पास तो मिनी भी नहीं है, वैसे पीयूष कोई बोलता भी नहीं है फोन के लिए कि मुझे फोन दिलाओ, क्योंकि पता है मैं दिलाऊंगा ही नहीं। तो तीसरा फोन भी हो गया फाइनल, चलो थैंक यू भैया। अरे कहाँ जा रहे हो, पैदल जाना है क्या, ऑटो देख लो ऑटो। तो अभी दूसरा ऑटो भी हमको मिल गया है, लेकिन पीयूष मेरी गोद में बैठा है, अब भीड़ हो रही है यहाँ तो। तो गाइस बैटरी तो मिली नहीं, कह रहे हैं ऑर्डर करनी पड़ेगी, हम मंगवा देंगे। अभी तो हम लोकल शॉप पे गए थे, अब चलते हैं लेनोवो के सर्विस सेंटर में। तो लेनोवो है यहाँ से 1.8 किलोमीटर, 5 मिनट दिखा रहा है, तो पैदल अपने को लग जाएगा 20 मिनट 25 मिनट। पैदल चलें, पैदल चलो पैदल चलते हैं। पहले हम ऐसे ही करते थे, चाहे 3 किलोमीटर चाहे 4 किलोमीटर पैदल जाते थे, हमारे पास बाइक भी नहीं होती थी। सो गाइस अभी हम यहां से जा रहे थे पैदल पैदल, और रास्ते में मेरे को यहां पर एक पेट शॉप दिखी, जहां पर से ओरियो के लिए कुछ टॉयज लेते हैं, अगर मिलेंगे तो अच्छे अच्छे ओरियो के लिए बॉल लिए देखो, और ये भी लिया है। हाँ ये सही लग रहा है, ये सही है ना, ये ले लेते हैं। हाँ ये है ना बेस्ट साइज, ये बेस्ट, एक और दे दो, एक और दे दो, यही साइज का एक और दे दो। सो गाइस अभी हमने 2 चीज ले ली है, एक ये बॉल और एक ये वाला कपड़े। थार तो आज ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर फॉर्च्यूनर ठीक करानी है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा दिल्ली, दो तीन दिन के लिए दिल्ली रुकना पड़ेगा। ये दिखा रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं आसपास कहीं लेनोवो नहीं दिख रहा हमको, तो फाइनली मिल गया आई थिंक।
नीचे जाना पड़ेगा। निकाल लैपटॉप निकाल। एक्चुअली इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है बैटरी। हाँ गेमिंग है, तो ये कह रही कि बैटरी मंगानी पड़ेगी। काम तो हुआ नहीं, अब चलते घर पे। हैं? उसको भूख लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर पे, तो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ से हमको सीधा घर के लिए ऑटो मिल जाए। पहले पीयूष को खिला देते हैं कुछ। चाप खानी है? हाँ। चल चाप खा ले। चलो। पीयूषी घर चलते हैं यार, घर चलते हैं, घर चलते हैं यार, घर जाके खा लियो खाना, घर जाके खा लियो। चल ले यार भाई, एक और ऑटो चेंज करना पड़ेगा यार। पीयूष तो मानता नहीं है, ऑटो गया, अब हमको यहाँ से एक और ऑटो चेंज करना पड़ेगा। बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। कौन सी चाप खानी है? मलाई। मलाई तेरे को? मैं नहीं खा रहा। मेरे को भी नहीं खानी, मैं तो घर जाके मम्मी खाना खाऊंगा। एक मलाई चाप कर देना। मेरे को तो प्यास लग रही थी इसलिए मैं इतना पानी पी गया। तो अभी गाइस पापा जी का फोन आया था कि शायद हमारा डायमंड प्ले बटन आ चुका है, एक पार्सल आया बहुत बड़ा, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे तो घर जाने की। जल्दी से अनबॉक्स करेंगे, होपफुली डायमंड प्ले बटन नहीं हो, वो कुछ और ना हो, क्योंकि आने वाला था आज या कल में। खा लेगा अकेले पूरी? थोड़ी बहुत हेल्प करने देगा? बिल्कुल नहीं, जितनी बचेगी उतनी हम खाएंगे। लेकिन हल्द्वानी की सबसे बेस्ट चाप मस्त हो रही है ना। पीयूष तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं यहाँ पे, पहले साहिल आया था, साहिल मुझे लेके आया, अब हम पीयूष को लेके आए। दो पीस बचा दियो बस, पहले पेट भर लिया फिर खाऊंगा। ये तो गलत बात है पीयूष, मैंने कहा था दो पीस बचा दियो बस, और मंगा लूँ? पक्का बता, खा लेगा ना? मंगाऊ बता कौन सी, यही खाएगा? तू चम्मच की चाट रहे, जल्दी बता। 1K47 कर दो, तू चम्मच की चाट रहे। ले भाई आगे तेरी 1K47। 1K47 भी इन्होंने 2 मिनट में पेल दी। यहाँ पे उसके लिए गिफ्ट भी हैं, उठा ले एक दो। उठा ले मैम, एक गिफ्ट उठा ले हम गिफ्ट। अरे नहीं नहीं मैम, वैसी बोल रहा हूँ। तो अभी गाइस चाप खा के आ गया, मस्त हो रही थी एकदम। अब चलते हैं महिंद्रा शोरूम, यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। आज हमने कितना पैदल चल लिया होगा? अंकल जी 10 रुपए की दे दो, गरम गरम देना। आज हम सारा खर्चा साहिल से करा रहे हैं। बस लड़ाई मत करो, मार खा लोगे। हाँ भाई 10 रुपए की नमक भी नहीं दिया। भाई बहुत दूर जाना है, कहाँ पैदल चल रहे हो? ऑटो ले लो। पागल है, महिंद्रा शोरूम बहुत आगे है भाई। तो क्या हो गया? तो फाइनली महिंद्रा पहुंच गए, जल्दी से देखते थार ठीक हुई या नहीं हुई है। अरे खुल गई, थार का पीछे का बम्पर खोल दिया, अब ये वाला लगेगा नया बम्पर। तो भाई ये वाली थार देखो कितनी मस्त लग रही है, फुल अंदर से मॉडिफाई करा रखी है ऑलमोस्ट। इसमें ये भी लगवा रखी है, स्टेयरिंग पे भी कुछ लगवा रखा है, ये देखो यहाँ भी डिजाइन है। पीछे इधर एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो महिंद्रा का जीप, जीप करा लिया। यहाँ पे जीप लिखा हुआ है, यहाँ पे थार लिखा हुआ है, जीप की थार। ये सही है। तो अपनी तो खड़ी है यहाँ पे, इसमें भी काम होना है। इसका शीशा टूट गया पीछे से, ये वाला शीशा टूट गया इसका। तो अभी थार में लगेगा टाइम, इसलिए हम इसको छोड़ के जा रहे हैं यहीं पे, तो कल ले लेंगे ठीक है। तो भैया हमको छोड़ देंगे, वैसे हम ऑटो में भी जा सकते थे। ओलू कहाँ है? सड़ा गए हैं। अरे मेरा प्ले बटन कहाँ है पापा जी? ये क्या चीज है भाई? अरे यार इसमें थोड़ा नया प्ले बटन, ये तो कुछ और है। तो गाइस ये बॉक्स है जो कि आया था, जिसके अंदर प्ले बटन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्ले बटन तो काफी छोटा होता है, तो बहुत बड़ा बॉक्स है। इसमें जो चीज है वो साहिल ने मंगाई है। तो पता नहीं मेरा प्ले बटन कब आएगा यार, 23 तारीख को आने वाला, 26 तारीख हो चुके, 3 दिन ज्यादा हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ अटक गया, किसी और ने तो नहीं ले लिया होगा? नहीं नहीं, ये इतना टाइम थोड़ा लगता है, 12 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। तो अभी गाइस डिनर करते हैं, दाल रोटी आलू गोभी। आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम नीचे बैठ के नहीं खा रहे हैं, बिकॉज ये ठंड हो रही है ना, नीचे बैठा नहीं जा रहा, नीचे फर्श बहुत ठंडा है, इसलिए हम ऊपर बैठ जाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। मेरे लिए भी रहा एक रोटी, गिराइयो मत भाई। सुनो मम्मी जी को बोलना मस्त खाना हो रहा है, दाल सब्जी रोटी मस्त हो रही है। आप भी ना इस तरह से अपनी मम्मी को बोल दिया करो कि मस्त खाना हो रहा है, मस्त रोटी हो रही है, मस्त सब्जी हो रही है। लिटरली आपकी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा, जब आप तारीफ करोगे ना खाने की तो उनको काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज काफी दिल से बनाते हैं मम्मी लोग खाना, तो अगर आप तारीफ करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करना। तो अभी डिनर करके अपने रूम में आ गया हूँ मैं, और जो भी आ गया यहाँ पे थोड़ी देर और के साथ में खेलते हैं, उसके बाद फिर एडिटिंग स्टार्ट करूंगा ठीक है तू? तो अभी फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा था, पापा जी देखो क्या ले आए हैं, रसगुल्ले मेरे फेवरेट। कितने खाऊं? जितने मर्जी खा ले, ये रख दूं? ज्यादा नहीं खाने ना, 2 ही खाऊंगा। एक और खा लो, ले जाओ वापस, नहीं तो फिर मैं ज्यादा खा लूंगा ना, ज्यादा भी ठीक नहीं, वापस ले जाओ ठीक है। ओके ओके मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। तो भी एडिटिंग तो हुई है, अब मैं देखूंगा स्पाइडरमैन, मैंने कोई सी भी देखी, मैंने कल देखी थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि तुमने पुरानी देखी है तुमको समझ में नहीं आई, इसलिए तो अब देखेंगे एक एक करके सारी, एक दिन की एक देख लूंगा मैं। तो ये सारी इसमें आ रही है, तो स्टार्टिंग से देखता हूँ और इस लोग करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
है।